तो चलिए ओवरऑल रुझान आपके सामने। 295 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, 229 सीटों पर इंडिया अलायंस, सदस्य खाते में 19 सीट, यानी कि एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि अगर रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो तीसरी बार एनडीए सरकार की हैट्रिक बन रही है। लेकिन आंकड़ा बीजेपी का 370 का सवाल, वो क्या हुआ? 400 पार एनडीए जाएगा, उसका क्या हुआ? इंडिया गठबंधन 295 से ऊपर जाएंगे, उसका क्या हुआ? हालांकि अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तब अब कहना है इंडिया अलायंस का कि वेट कीजिए, अभी और हमारी सीटें बढ़ेंगी। अब सीटें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि फिर सवाल ये उठेगा कि नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू किस तरफ जाएंगे, क्या सरकार गठन को लेकर के अब उसके बाद असल खेला होना बाकी है। बहुत सारी तस्वीरें हैं जो अभी खुलकर सामने आनी बाकी है। राम, बिल्कुल, तो ये तस्वीर इस वक्त स्पष्ट होती हुई धीरे धीरे, केरल सीपीएम सिर्फ एक सीट पर आगे है केरल में, और ये भी एक बड़ा अपडेट इस वक्त का है, सीपीएम सिर्फ एक सीट पर आगे है। कांग्रेस 13 सीटों पर लीड कर रही है, ये केरल की तस्वीर है, और कांग्रेस के लिए यहां पर अच्छी बढ़त है। बीजेपी 2 सीट पर लीड कर रही है, बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर है, भले ही 2 सीट पर लीड है लेकिन केरल से बीजेपी के लिए एक सुखद खबर है। मतलब कह सकते हैं कि खाता तो खुला, जो बीजेपी कह रही थी कि केरल में 0 सन्नाटा है, वहां पर अगर हम एक भी सीट जीतते हैं तो हमारे लिए बड़ी बात होगी। बिल्कुल, यकीनी तौर पर तमिलनाडु, केरल, ये ऐसे राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मेहनत करनी थी, और केरल के रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। उलटफेर इस लिहाज से क्योंकि लेफ्ट को जो है एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है, सीपीएम सिर्फ एक सीट पर इस वक्त लीड कर रही है, और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी 13 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, ये स्थिति है। और वायनाड सीट पर जहां पर राहुल गांधी लड़ रहे हैं वहां पर 2,30,000 के अंतर से वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और ये देखिए मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं पूरे भारत की तस्वीर कैसी हो सकती है। जहां जहां भी नीला रंग आपको नक्शे में नजर आ रहा है वहां पर INDIA गठबंधन इस वक्त लीड कर रहा है, जहां रंग भगवा है वहां पर NDA गठबंधन इस वक्त लीड कर रहा है, और अन्य जो है वो 19 सीट पर है और वो वहां पर आगे है। इस नक्शे के जरिए आप देख सकते हैं कि स्थिति किस तरह की बन रही है। प्रत्युष जी हाँ, और ये इस वक्त कुल मिलाकर स्थिति है 297, यानी कि अभी भी 300 से नीचे ही है एनडीए, और इंडिया 227 सीटों पर। बीच बीच में आपको जो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, कहीं से पटाखे फोड़ने की तस्वीर, कहीं मिठाई बांटने की तस्वीर, कहीं ढोल नगाड़े की तस्वीर, तो जहां जहां जिस पार्टी ने अपना परचम लहराया है वहां वहां की तस्वीर सामने आ रहा है।